नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे पांच से कमाल के वेबसाइट्स के बारे में जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ये कौन कौन सी वेबसाइट है, किस किस काम के लिए आप यूज कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को दबा कर रख ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे फर्स्ट वेबसाइट है textmagic.com। अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो आप इस वेबसाइट पर जाके उस अननोन नंबर को इंटर करके आप पता लगा सकते हैं कि वो जो नंबर से कॉल आ रहा है वो फेक है या फिर रियल। तो जिस फ़ोन नंबर को आपको चेक करना है उसे यहाँ पर इंटर कर देना है आपको। इंटर करने के बाद यहाँ से आपको IM NOT A ROBOT पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट नंबर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ ही सेकंड लेगा आपको फाइंड आउट करने में कि वो जो नंबर है वैलिड है या फिर इनवैलिड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो नंबर है एक वैलिड नंबर दिखा रहा है। नेक्स्ट वेबसाइट है sizzler.com। इस वेबसाइट पे जाके आप किसी भी PDF फाइल को अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडिट ऑफ PDF डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जिस PDF फाइल को आपको एडिट करना है उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ जैसे कि मेरे को यहाँ पर फेल को पास करना है, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। और भी चीज़ें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 455 था यहाँ पर तो मैं यहाँ पर 400 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी फेल दिख रहा है तो यहाँ पर मैं पास यहाँ पर डाल सकता हूँ। ओके, उसके बाद चेंजेस करने के बाद आपको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। PDF एडिट होके डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। इस वेबसाइट की मदद से आप बहुत ही इजीली किसी भी PDF फाइल को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है mixkit.com। इस वेबसाइट पे आपको कॉपीराइट फ्री वीडियो, फोटोज़ और आइडियो देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट या फिर वीडियो में यूज कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो में इन सारे फोटोज़, वीडियोज़ या फिर आइडियोज़ को यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको ड्रोन शॉट्स यहाँ से लेना है तो आपको ड्रोन शॉट से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो ड्रोन से शॉट्स मतलब वीडियो लिए गए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड फ्री वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे जो आपका वीडियो है यहाँ से सेव कर लेना है। इस तरह से यहाँ से आप स्टॉक वीडियो, फोटोज़, म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है emoji.supply। इस वेबसाइट के थ्रू आप बहुत ही ईजिली किसी भी इमोजी वाला वॉलपेपर को आप कस्टमाइज करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में उस वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दूसरे कोई और भी इमोजी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें आपको इमोजी वाला जो कीबोर्ड है उसे लाने के लिए अपने स्क्रीन पर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पर प्रेस करना होगा Windows+. इस की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इमोजी वाला जो कीबोर्ड है ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसे कोई भी इमोजी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं फेस मास्क वाला इमोजी ऐड किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस मास्क वाला जो इमोजी यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आपको जो भी इमोजी पसंद है उस इमोजी को यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर जो आपका इमोजी है रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके वॉलपेपर पे। उसके बाद यहाँ से अगर आपको इस इमोजी वाले वॉलपेपर को डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन आएगा, इसे सेव कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो है सेव हो गया। इसे मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊँगा तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली एक इमोजी वाला वॉलपेपर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है colorize.cc। इस वेबसाइट के थ्रू आप बहुत ही ईजिली किसी भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को आप कलर कर सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू बहुत ही ईजिली अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हो तो उसे आप कलर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद उस फाइल को चूज़ कर लेना जिस फाइल को आपको कलर करना है। कई सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे ये ब्लैक एंड वाइट है, कलर करने पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ये जो सारे वेबसाइट्स मैंने आपको बताया इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इन सभी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको भी ऐसे कोई वेबसाइट पता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और कमाल की है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस लाते रहता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।